हाँ जी साडा प्रोग्राम बनया जी जैसलमेर तेल दी वारी आ गई ते इह कहिंदे तेल पाउण तों पहिलां ओ चैक करो चाह भी पीनी होवे ना ते सानू घट्टो घट्ट 50 किलोमीटर जाना पैंदा लैम्बरगिनी दा मेला लगा जी सोना कलर है यही आए जी लेक ते स्टोन है जी स्टोन नू हाँ जी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग जी सारे नू होप कर तुसीं बहुत वधिया होवोगे अपने अपने कार सब इंजॉय करते हो गए जिंदगी जी रहे हो गए अही चले सी जी जैसलमेर प्रोग्राम बनया नाल अपने चलिया ऐतकी डीसी ते होर भी मित्र प्यारे है तुहानू सारे नाल मिलावांगे सो पहली ब्रेक लई है जी इत्थे पूरी गड्डी 200-250 किलोमीटर चलाई लगातार ते रस्ते च कोई भी ढाबा नहीं मिखिया इत्थे एक छोटी जी दुकान दिखी उत्थे चाह बनवाई है ते फिर अगे दा सफर तय करते हैं अजे 500-700 किलोमीटर पिया अजे ते होप तो पूरी है कि अज सीधा ही उत्थे पहुंचांगे ते बाकी वेखो जिवें मालक नूं सो मिलदे आ जी तुहानू नैक्सट वीडियो च वेखो लवो नज़ारे साडे नाल घूमो तुसीं जैसलमेर सो चैनल नूं कर दो सबसक्राइब लाइक कमेंट वाह मच्छरों मछली हुई भी ते इदां दा कुछ देने साडा साडे नाल हर्ष जी आए ने नाल अपने सारे सज्जन प्यारे मित्र नाल डीसी साहब हाँ डीसी लो जी गड्डी स्टार्ट है टाइम हो गया 4 बज गए ने पूरे ते बंदा पहुंच गया नाल एक वो समान रख लिया गड्डी च इन्ने लेट कराया अज दी कला लाइटा नवीं लवाइया आप अगे पी लिया ते वेखो किवें दी लुक आ रही है बैग बूग रखते ने पिछे मुंडिया ने ते तैयारी कर रहे ने ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਜੇ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਨਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੱਲੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੋਨ ਫੜ ਲੈ ਯਾਰ ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਢਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਬੈਠੇ अपने राजस्थान के बंदे बैठे है जी ते मच्छर ने पूरी धेड़ पाई है बाकी फोटो सैशन चल रहा ते जी चाह आ गई ने परौंठे डीसा बना के हम चलन गए चाह ना परौंठे इन्हें पहला फड़ लिया क्योंकि इतना ना काफ़ी एरिया खाली खाली मतलब कि बहुत ज़्यादा सारा एरिया है तो खाली इतने जिमें मिट्टी है मिट्टी मिट्टी हुई पी जी वेखो अही आए हैं इधर मिट्टी के बेच सो अच चलिए जी जैसलमेर तुम जैसलमेर जाके मिलते हैं उत्थे बखाने हैं जैसलमेर च की कुछ खास है बाकी हाँ खट्टी खड़ी है मोड़े जी बिल्कुल सीधी सीधी जैसलमेर कित नहीं मुड़ना ते पैर गर्म होया बाकी तो राजस्थान के पहाड़ विखाने रेता के पहाड़ चलते भी नाल नाल बाकी रोड तो तुहानू की विखाइए बस सड़क की है सवेर से तुरे जाने पे पहुंचे तो कित भी नहीं बाकी उम्मीद पूरी है कि पहुंच जाएंगे अज ਜੋਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭੈ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕਣਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਸੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮਝਾਓ 2 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ 367 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਿਕਾਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 78 तो इतने फोटोशूट चल रहा है थोड़ी आप रील भी बनाइया ने इंस्टाग्राम से पावे फॉलो करो इंस्टाग्राम से जरूर ये फोटो खिचा रहे ने ते आ देखो जी राजस्थान के पहाड़ रेता दे आ देखो रेता किमें रोकी आ थले लगी है ना कालिया जालिया पाई हुई इन्होंने
ਤੇ ਰੇਤਾ ਰੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਊਂਠ ਨਾ ਵੇਖੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਊਂਠ ਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਦੰਨੋ ਕੇ ਫੈਨ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜੈਪੁਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਰੇਤਾ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਟਿੱਬੇ ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜ ਟਿੱਬੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਟਿੱਬੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਵਾਕਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨੀ ਤੂੰ ਖੇਲ ਜਾਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਬੱਸ ਮਾਟੀ ਪੰਪ ਵਾਧੂ, ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਆਓ ਜਰੂਰ ਪਰ ਵੇਖ ਮੁਖ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਆਓ ਆਪਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਕਿੰਨਾ 200 ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਬੋਲੇ, 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ। ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਮੱਛਰ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਛਰ ਬੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਰੁਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੋਰੀ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਅਜੇ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਪੂਰਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ 120 ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 10,500 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਅਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, 5,500 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, 20-25 ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, 10-12 ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਬੋ ਹੀ ਹੈ। ਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਲਰ, ਸਪੀਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ,
एक भरा मिले अपन होटल देने वास्ते। बाकी अगे जाके वेखते हैं जी, कहते सिटी ऑफ ब्यूटी है, तो नाल नाल चलो तुहानू थोड़ी ब्यूटी विखावांगे। बाकी तुहानू कल दे व्लॉग च वेखण नू मिलेगा। लो जी सिटी च एंटर करके हुण तुहानू गड्डी च तां की विखाईए, बाहर निकलांगे तो फिर विखावांगे तुहानू शहर। होटल एक बार लै लिए, वो अगे एक गाइड जा रहा है, तुहानू एक्सपीरियंस देवांगे आपका, साडा मतलब किवें दा एक्सपीरियंस रहा, यह बंदा सही है या तुहानू भी गाइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस हिसाब नाल तुहानू दसांगे सारा कुछ। हाए तो उन्हें मगर मगर जा रहे हैं। ओके थार डेजर्ट हो गया जी। हाँ जीप सफारी, उसमें आप जीप, हाँ 22 किलोमीटर जीप सफारी। ओके जीप सफारी के बाद में ये वाला रहेगा कैमल सफारी। ठीक है जी, कैमल सफारी करवा के फिर डेजर्ट के ऊपर आपको दिखाएंगे ये वाला सनसेट। सनसेट पॉइंट आ गया, सनसेट दिखा के फिर शाम को राजस्थानी कैंप के अंदर रहेगा वेलकम। ओके वेलकम के बाद में ये रहेगा बैठने का सिटिंग कैंप ये वाला। ओके यहाँ पर चाय कॉफी नाश्ता रहेगा। ठीक है जी, रात का 3.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, राजस्थानी फेमस प्रोग्राम। ओके जिसके अंदर राजस्थानी फोक डांस है, ये राजस्थानी स्पेशल कालबेलिया डांस है, ये रहेगा स्पेशल राजस्थानी मुँह से फायर है। ओके ये वाला रिंग डांस है, उसके बाद में ये वाला रहेगा हाई फाई वेज बफे डिनर खाने का, 12 आइटम रहेगा डिनर का। डिनर करके फिर एक तौर का ये वाला डिनर वेज में होगा, नॉन वेज में? प्योर वेज, प्योर वेज। नॉन वेज करना है तो आपको अरेंज यहाँ से करना होगा। ओके ठीक, एक ये स्वीट स्टैंड है। ओके एक ये वाला कोटेज है, ये वाला मेन जो मज़ा आएगा टेंट के अंदर आएगा। टेंट ओके, फिर कल सुबह 3 घंटे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहेगा, ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे सिटी में 10 बजे। ठीक, ये दिखेंगे किला है, ये पानी का तालाब लेक है, ये वाली है पटून की हवेली, सालम सिंह की हवेली, मंदिर पैलेस, ये पूरा सिटी दिखा के कल यहाँ से 2 बजे फ्री हो, 2 बजे फ्री हो जाएगा। ओके और एक ये गाँव दिखा के आएंगे जो एक ही रात में खाली हुआ था, कुंद्रा गाँव, फिल्म में देखा था खंडर पूरा गाँव। ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 14 किलोमीटर है, जब कल डेजर्ट से वापस आएंगे उसी टाइम यहाँ आते वक्त, अभी देखना अभी ऑन वे देख के चले जाऊँ, सुबह देखना सुबह देखना। ओके कुलधारा विलेज, हाँ कुलधारा यही है जी लेक ते, थोड़ी लाइट गई हुई उन्हें लाइट आई है, तो गडीसर गडीसर नोकियान ये लेक का नाम है जी, तो यार टिकट लगी इन्हों की, जेडे पैडल है वह 300 रुपये के 2 जने वास्ते है, तो बाकी तुम रेट पढ़ लो। एवें कुछ लेक बनी, थोड़ा नेरा हो गया आके ही फिर सो गए ता करके फिर लेट हो गए थोड़ा जहा। आ लेक का मेन है जी, तो अंदर एक गेड़ा दवा के आते हैं, एक 10-15 मिनट का गेड़ा होंगे, तो आ उपर जाके तुम देख सकते हो। बाकी माहौल बहुत सोहना इतों का, मतलब कि सही रहा काम। हाय हाय लेक छोटी जी मार्केट है, इतने मार्केट सोनी बनी हुई है भाई। लेक केड़ी है यार पता नहीं, मैं पहला ना बोलता है गडीसर, गडीसर लेक। मोबाइल की बैटरी लो आ गए सो सो गए, तो उन्हें परने परने बन के निकले हैदराबाद, ओ सॉरी जैसलमेर, जैसलमेर एक्सप्लोर करने वास्ते। सो मिलते थानू नैक्सट वीडियो च, लेक हो गया पर अभी बोटिंग करने गए, थोड़ा नेरा बहुत ज़्यादा हो गया, ना तो वीडियो बननी ना मज़ा आना, सो इस करके गए नहीं। आओ जी शॉपिंग चलती पी है, करे फोन कर करके विखा पै। हाँ भाई ओए सर बना रहे थे, देखो जी बोतल में नाम लिख दिया, तो यहाँ लिखे आप भी क्रेडिट करवा लगे, तैयारी चल रही पूरी। खाली बोतल है, इन सारा कुछ एवं
ऊंट वगैरह बिच पा के इत नाम लिखेंगे। रोज इंजॉय करो अपने स्त्रियों के बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और टूरिस्ट काफी आए हैं आज, मतलब वीकेंड है ना इस करके काफी फॉरेनर भी काफी आए हैं। डिनर आ गया जी, मंगाया स्पेशल राजस्थान का फेमस डिश दाल बाटी चूरमा, तो खा के तुम दस दे कि यह बाटी है, ये चूरमा है, ये दाल है, ये पापड़ है, बाकी तुम पता ही ये मैं चटनी है जी। किला सुबह तुम खावे, पूरा किला अंदरों एक्सप्लोर करा, तो सुबह सिटी टूर भी है, हाए इतने भी बई है रौनकी बंदे, सवेरे सिटी टूर भी है, डेजर्ट सफारी भी हैगी है, तो वो जी जीप से सफारी कराते हैं जी, जिमें कि दुबई च भी कराते हैं, दुबई वाली तो नहीं चलो होएगी पर यह है कि सफारी कराएंगे सुबह, वो तुम दिखावे नाल जुड़े रहो, चैनल में कर दो सबसक्राइब। सवेरे तुम दिखावे जी सफारी, डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, सिटी टूर भी है, तो जैसलमेर का किला भी दिखावे नाल, सो जुड़े रहो चैनल एवं तुसी। बाकी मिलते हैं एवं कि नवी वीडियो, सो